हेलो फ्रेंड्स, स्टोरेज किसान आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से चैप्टर 8, जो कि है हमारे आसपास के बाजार। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी तक 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे 7 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक साथ सभी के सभी वीडियो यहां से देख सकते हैं। और देखिए तो उसके साथ आपको बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप एनसीईआरटी की बुक जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक बार एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो इससे बाहर पूछा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम हमारे आसपास के बाज़ार। तो देखिए दोस्तों, हमारे आसपास के बाज़ार से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसको हमने नोट कर लिया है। हम केवल वही पॉइंट नोट करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ से हमने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको नोट कर लिया। तो इससे पहले आपको एक बार एनसीईआरटी की बुक में बता देते हैं कि हम हमारे आसपास के बाज़ार में क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है एनसीईआरटी की बुक और इसमें क्लास 7th में जो चैप्टर 8 है वो है हमारे आसपास के बाज़ार। और देखिए दोस्तों, इस जो ये बुक है राजनीतिक एवं सामाजिक, इसमें जो टोटल चैप्टर हैं वो 10 चैप्टर हैं और इसके बाद 2 चैप्टर और बचते हैं हमारे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो देखिए इस चैप्टर के बारे में हम क्या क्या चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्ज़ियाँ, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, चावल, दाल, किताबें, कॉपियाँ आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सभी की सूची बनाई जाए तो यह काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट यानी बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये यहाँ पर है कि इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। तो देखिए चैप्टर में हम बाज़ार के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से बाज़ार आते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में, आप देख सकते हैं बाज़ार के बारे में बताया गया है। कुछ बाज़ार ऐसे होते हैं जो खुले में होते हैं, कुछ यहाँ परमानेंट होते हैं, कुछ अस्थाई बाज़ार होते हैं। तो बाज़ार के भी कई प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग चित्र दिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक में जो हम मेनली पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर साप्ताहिक बाज़ार के बारे में कि साप्ताहिक बाज़ार क्या होते हैं, यानी सप्ताह में लगने वाले बाज़ार को साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम, साप्ताहिक बाज़ार क्या होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है साप्ताहिक बाज़ार, यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार से साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं। इसके अलावा मोहल्ले की दुकान दिया गया है कि मोहल्ले की दुकान क्या होती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया गया है मोहल्ले की दुकान में, जैसे कोई किराने की दुकान है इसके बारे में बताया गया है, जैसे पड़ोस की दुकान, इन सब को बताया गया है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इसके बारे में बताया गया है और साथ ही यहाँ पे बाज़ारों की श्रृंखला। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से बाज़ार के बारे में बताया गया है, साथ में यहाँ पे इंटरनेट शॉपिंग के बारे में बताया गया है। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे बाज़ार की समानता के साथ साथ यहाँ पे बताया गया कि एक कारखाने में जोड़ी जा रही कार, तो यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था सीटेट में, तो ये भी हम जानेंगे कि क्या क्वेश्चन यहाँ से बना था। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये एनसीईआरटी की बुक है और ये देखिए यहाँ पर कुछ इमेज वगैरह दिए गए हैं शॉपिंग मॉल की। और तो आज हम इन्हीं बाज़ारों के बारे में हम जानेंगे। तो यही छोटा सा चैप्टर है। तो क्योंकि देखिए दोस्तों, हम सभी के सभी यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या क्या बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है कि हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्ज़ियाँ, साबुन, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ आदि। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं। इस अध्याय में हम बाज़ार के प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि जो बाज़ार होते हैं, बाज़ार क्या करते हैं कि हमारे जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है इनको पूरा करने का कार्य करते हैं। और देखिए यहाँ पर अलग अलग बाज़ार दिए गए थे, जैसे कि हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ पहला है साप्ताहिक बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ार क्या होते हैं? तो देखिए साप्ताहिक बाज़ार सप्ताह में एक बार खुलते हैं। इनमें बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के लिए तरह तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसलिए आपने देखा होगा कि जो साप्ताहिक जो बाज़ार लगता है, हफ्ते में एक दिन लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो सामान जो आपको मिल जाती हैं वो
कम दामों पर और सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मॉल क्या होते हैं, तो मॉल देखिए जो यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती हैं जिसमें कई मंजिलें दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट होता है, कभी कभी सिनेमा घर भी होते हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं। तो देखा होगा दोस्तों आपने जब कहीं मॉल में जाते हैं तो यहाँ का जो इस दुकानों में जाते हैं तो यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं और यहाँ पे सभी चीज़ मिल जाती हैं, जैसे रेस्टोरेंट मिल जाता है, सिनेमा घर मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे जो भी अगर आप कपड़े लेते हैं तो ज़्यादातर जो यहाँ पे कपड़े जो मिलते हैं वो ब्रांडों के कपड़े बिकते हैं, तो वही दिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया गया है थोक क्या है यहाँ पे, तो थोक जो दिया गया है इसका आशय है बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। और इसके अलावा दिया गया यहाँ पे बाजार की श्रृंखला क्या है, तो यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे की से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एवं बाजार से होते हुए दूसरे बाजार से पहुँचते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं कि इसे हम बाजारों की श्रृंखला कहते हैं। कि देखिए दोस्तों जब भी आप कोई सामान लेते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह जो वस्तुएँ हैं वो पहुँचती हैं, इनकी जो एक कड़ी की तरह ये जुड़ी रहती हैं, तो यही क्या कहलाते हैं, बाजारों की श्रृंखला कहलाती हैं। अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे एक ही, अगर हम यहाँ पे जितने भी हमने पढ़ा उसके बारे में अगर हम शॉर्ट रूप में बात करें तो देखिए जो बाज़ार होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जो बाज़ार होते हैं ये साप्ताहिक बाज़ार होते हैं, मोहल्ले की दुकान होती हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, मॉल होते हैं और अन्य। तो देखिए जो यहाँ पर अगर हम साप्ताहिक की बात करें तो साप्ताहिक जो होते हैं ये किसी निश्चित दिन लगते हैं, यानी रोज़ रोज़ नहीं लगते हैं, ये किसी निश्चित दिन लगते हैं, जैसे संडे को लग गया या सैटरडे को लग गया। आपने देखा होगा बहुत सारी जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पर भी ये बाज़ारें लगती हैं और हफ्ते में एक दिन लगती हैं, तो उन्हें को ही हम साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं, ये किसी निश्चित दिन लगते हैं। और देखिए दोस्तों ये जो बाज़ार होते हैं ये कच्ची होती है, ये परमानेंट नहीं होती, ये कुछ समय के लिए जैसे आपने देखा होगा सुबह से शाम तक लगी, फिर ये सामान समेट करके ले जा लेते हैं, इसलिए इसको अस्थाई बाज़ार कहते हैं। और इसमें जो है इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ जो हैं वो सस्ती मिलती हैं, ठीक है। अब जो देखिए दूसरी दुकान है वो है मोहल्ले की दुकान, तो जो मोहल्ले की दुकान है जो आपने अपने आसपास पड़ोस में देखी होगी, तो जो मोहल्ले की दुकान है ये क्या होती है, ये प्रतिदिन लगी रहती हैं और ये एक तरह से पक्की होती हैं और साथ में स्थायी होती हैं, ऐसा नहीं कि आज सामान बेचा और उसके बाद शाम तक चले गए, तो ऐसा नहीं होता इसमें, क्योंकि ये अस्थायी होती हैं। और इसमें देखिए इसमें उधारी लेन देन भी संभव होता है, कई बार जो होती है पड़ोस की जो दुकान होती है तो वो क्या करते हैं कि उधार भी दे देते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कभी कभी जो किराए की दुकान होती है ये किराया लेते हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे मोहल्ले की दुकान के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो शॉपिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है ये भी प्रतिदिन लगती है और ये भी क्या होती हैं, ये भी पक्की दुकान होती हैं और ये क्या होती हैं, पक्की होने के साथ साथ ये स्थायी होती हैं, ऐसा नहीं कि शॉपिंग मॉल में आप आज गए और एक दिन के लिए शॉपिंग मॉल लगा और उसके बाद वो हट गया, तो ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए इसे स्थायी कहते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे हर प्रकार की वस्तुएं जो हैं एक ही प्रकार की एक ही जगह पर मिल जाती हैं। आप गए होंगे किसी शॉपिंग मॉल में तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आप चाहें तो कपड़े भी ले सकते हैं, साथ ही आप खाने पीने के सामान ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप यहाँ पे घर की सजाने की वस्तुएँ भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो शॉपिंग मॉल होते हैं वहाँ पर हर प्रकार की जो वस्तुएँ होती हैं वो एक ही जगह मिल जाती हैं, तो ये यहाँ पर बाज़ारों में अंतर दिया गया है। इसके अलावा दिया गया है मॉल, तो मॉल क्या होता है कि मॉल जो होते हैं प्रत्येक मंजिल में अलग अलग दुकानों की सुविधा होती है, जैसे जो आपने देखा होगा मॉल जो होते हैं वो 4-5 मंजिल होते हैं से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे देखा होगा कि हर जो मंजिल होती है उसमें अलग अलग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट मंजिल में यहाँ पे खाने पीने की सामान हो गए, सेकंड में यहाँ पे कपड़ों के हो गए, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको घर के सामान सजाने के सामान मिल जाते हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग जो मंजिल होते हैं उसमें अलग अलग दुकानों की सुविधा होती है, तो इसे हम मॉल कहते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे अगर हम बात करें बाज़ारों में तो अन्य में आगे जैसे आपने देखा होगा फेरी वाला जो क्या करते हैं कि हफ्ते में आते हैं और सामान लेकर घूमते हैं और ये क्या करते हैं सामान को बेचने का काम करते हैं, तो उसे फेरी वाला कहते हैं। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों जो आज का सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो चल रहा है अब इंटरनेट बैंकिंग यानी इंटरनेट बाज़ार, आप देखते हैं इसको ई बाज़ार भी कहते हैं। इसके लिए अलग अलग जो शॉपिंग साइट होती हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही शॉपिंग कर लेते हैं और वो आपके सामान को पहुँचा देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो हमारा जो चैप्टर है बाज़ार, इससे हमने ये क्वेश्चन पढ़े यहाँ पर। और इसके अलावा आपको बता दें कि
यहाँ पर दिया गया है कि जैसे इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने क्यों इंक्लूड किया, तो इसलिए किया क्योंकि जो यहाँ पर है बाज़ार के बारे में जो बच्चे हैं उनको इसके बारे में जानकारी मिल सके। और साथ ही जैसे देखा होगा आपने बाज़ार के साथ साथ यहाँ पे आपने हमने बताया कि जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं वहाँ पर गाड़ियाँ गुड़ियाँ बनती हैं, तो इस प्रकार की जानकारी जो है वो छात्रों तक यहाँ पर मिल सके। तो इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ पर बाज़ार को यहाँ पर चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे बाज़ार कारखाने के बारे में हमने आपको बताया था, यहाँ पे आपको दिखाए थे। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया कि एक कारखाने में गाड़ी बन रही है, गाड़ी जोड़ी जा रही है, तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है। यहाँ पर यहाँ से भी दो क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चलिए हम इसी के बारे डिस्कस करते हैं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे यहाँ पे देखें कि कारखाने के संदर्भ में पढ़ाने हेतु सबसे उपयोगी विधि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना है, इसे एक व्यावहारिक ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कारखाने के बारे में पढ़ाना है कि कारखानों में कैसे कारें बनती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उस औद्योगिक कारखाने में छात्रों को ले गए, जिससे क्या होता है कि छात्रों को एक व्यावहारिक ज्ञान, क्योंकि वो उस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान हमेशा के लिए बना रहता है। तो इसलिए कारखाने को अगर संदर्भ में पढ़ाना है तो औद्योगिक कारखानों की यात्रा आयोजित कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, वो है यहाँ पर कि मांग में कमी के कारण व्यापार और उद्योग में भारी गिरावट को बाजार की मंदी कहते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर सामान है अगर उसमें कमी आ जाती है मांग में, तो खुद जो होता है उस बाज़ार की जो है वो मंदी, बाज़ार में जो है वो मंदी आ जाती है। जैसे अगर हम बात करें कोई भी वस्तु ले लें, अगर जैसे हम नमक की बात कर लेते हैं, अगर नमक जो है नमक की मांग कम है तो इसलिए नमक का रेट क्या होता है बहुत कम होता है, और नमक के रेट कम होने की वजह से क्या होता है तो उसमें भारी गिरावट आती है और उसी को हम क्या कहते हैं बाज़ार की मंदी। तो इसलिए देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में इतना ही था जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, हमने इसको नोट किया और यहीं से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया है इस चैप्टर से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बना है और ये क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिला होगा, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया कि कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है। तो यहाँ पे दिया गया किसी विशेषज्ञ के को नियंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाना की यात्रा आयोजित कराना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना या फिर एक कहानी सुनाना। तो हमने आपको बताया कि अगर किसी भी कारखाने के विषय में पढ़ाना है तो आप उस कारखाने के औद्योगिक कारखाने में ले जाइए जिससे बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान हो। तो ये जो क्वेश्चन था ये सीटेट 2018 में पूछा गया है, और अगर आपके पास पेपर है सीटेट 2018 का तो आप वहाँ पर से इसको देख सकते हैं, और सीटेट 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया और इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बाजार में मंदी की स्थिति संकेत करती है, और देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सीटेट, अगर आपके पास 2014 का पेपर है तो सीटेट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसी चैप्टर से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर बाज़ार में मंदी की स्थिति संकेत करती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, मांग में कमी के कारण व्यापार और उद्योग में भारी गिरावट। सेकंड जगह है मांग में वृद्धि के कारण व्यापार और उद्योग की में प्रगति। थर्ड जगह है मांग में स्थिरता के कारण व्यापार और उद्योग में कोई परिवर्तन नहीं, और फोर्थ जगह इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमने बताया कि मंदी की स्थिति, बाज़ार में मंदी की स्थिति तब कहलाती है जब मांग में कमी के कारण जो होता है व्यापार और उद्योग में भारी गिरावट आता है। तो देखिए अगर सिंपल सी बात है, अगर मांग में कमी, अगर किसी वस्तु की मांग कम है तो उसके व्यापार और जो उद्योग है उसमें भी भारी गिरावट आएगी। अगर कुछ चीज़ को कोई सामान खरीद ही नहीं रहा है तो उद्योग वाले क्यों बनाएंगे उस सामान को, क्यों उसका व्यापार होगा, तो इसलिए उद्योग में भी और व्यापार में भी क्या आती है गिरावट आ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं बाजार में मंदी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था ये सीटेट 2014 में पूछा गया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीटेट 2018 में पूछा गया। अगर आपके पास 18 का भी आपने पेपर दिया होगा तो आप अपना एक बार ज़रूर इस क्वेश्चन को देखें, और आपके जो सीटेट का पेपर है उसमें ये पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो एनसीईआरटी की बुक से बाहर पूछा जाए।